अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उस पानी में कुछ था जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। क्या था उस पानी में? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि सबने वो पानी पिया है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्यों हुआ? वो डाइव हो के सिर्फ मुझे ही क्यों हुआ? लेकिन आई एम श्योर कि उस पानी में जरूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई थी। ओह गॉड, अब तुम कैसी हो? हाँ, अभी काफी बेटर हूँ, लेकिन हालत खराब हो गई, वॉमिटिंग हुई। थैंक गॉड तुमने मुझे बता दिया, मैं वो पानी नहीं पीऊंगी, ये तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। लेकिन कैंटीन से तो मैं वो पानी लाई थी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? तू ऋषि को देखने जाना चाहती है ना, तो जा, डॉक्टर से मिलना चाहती है तो मिल ले। पर ऋषि की इस हालत के लिए तू लक्ष्मी को जिम्मेदार ना ठहरा, उस पे इल्जाम ना लगा। हमने नाम लिया उसका, लिया हमने। नीलम, नीलम, हम माँ है, वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ है, सबकी माँ है। उन्हें भी चिंता है ऋषि की, लक्ष्मी की। देखो, ऋषि को जितनी भी चोटें आई हैं, जितने भी जख्म हुए, सब भर जाएंगे। उसका दर्द भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्यों चिंता करियो, मत करो प्लीज। हाँ प्लीज, शांत हो, रिलैक्स। ऋषि, ऋषि ठीक तो है ना? हाँ, लक्ष्मी की वजह से। लक्ष्मी? वो अंदर आ रही थी ऋषि के पास, मैंने कहा कि तुम वहीं पे रुको, मैं जाती हूँ ऋषि को देखने। एक बात कहूँ, मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे घर की होने वाली बहू अपने एक्स हस्बैंड के साथ इतना मेलजोल बढ़ाए। प्लीज बुरा मत मानना। बुरा? बुरा क्यों मानूंगी, तुमने एकदम सही किया। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ कि लक्ष्मी ना अपनी लिमिट क्रॉस ना करे, और अगर तुम ये नहीं समझाती तो कोई और समझाता। लेकिन लक्ष्मी का ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी लिमिट्स क्या है, उसे अपनी हद में रहना बहुत जरूरी है। अनुष्का, तुम्हें वॉमिटिंग हुई है ना, तुम्हें बहुत वीकनेस हो सकती है, तबीयत और खराब हो सकती है। एक काम करो, जाके डॉक्टर को दिखा दो और दवाई ले लो। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। अब सलोनी भी अंदर ही है। ऋषि ने मुझे देख लिया है, शिट, और अब तक ये मरा भी नहीं है। ऐसा ना हो कि ये होश में और सबको बता दे कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है, फिर तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। वेट कर रही थी मैं। शिट,
तो ऋषि होश में आ गया, अब क्या होगा? मेरे ऋषि को होश आ गया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। बाहर सबको बता के आती हूँ कि ऋषि को होश आ गया। तो सारे लोग अंदर आ जाएंगे, अब इनसे छुपे रहना मुश्किल हो जाएगा, क्या करूं? ऋषि, डिस्चार्ज फॉर्म भी पूरा कर लेते हैं ना, फिर साथ में चलेंगे। थैंक यू, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, आपने ऋषि को ठीक कर दिया, अब मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। आप मुझे जितने दुख देंगे सब सहूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी आपको। बस आप प्लीज अब ऋषि को ठीक रखो। थैंक यू। आयुष, आयुष, ऋषि भाई, आयुष, ऋषि भाई, आप यहाँ ऐसे कहाँ? लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी कहाँ? लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, वो हाँ तेरी लक्ष्मी भाभी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ चली गई? वो ऋषि भाई, वो तो चली गई। चली गई? हाँ लक्ष्मी चली गई यहाँ से। उसे पता है ना मेरी क्या हालत हो रही है, और वो फिर भी यहाँ चली गई। ठीक है, मैं सही सोच रहा था, उसे सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है। वाव, ये तो कमाल हो गया, लक्ष्मी चली गई ऋषि को बिना मिले। सुपर्ब लक्ष्मी, सुपर्ब, कीप इट अप बेब। कैसी बातें कर रहे हो ऋषि भाई, आपकी फिक्र करने के अलावा कुछ है उनकी लाइफ में? कैसे आ गई? क्यों क्यों चली गई यहाँ से? क्योंकि नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ उसे सच में फिक्र नहीं है। रुको यार, क्या हो गया तुम्हें? अगर लक्ष्मी यहाँ से गई है तो वो घर ही गई होगी ना, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और ऐसा क्या काम है तुम्हें लक्ष्मी से, ये बताओ पहले तुम। ऋषि कहाँ जा रहे हो बेटा? पुत्र, हम सब साथ ही चल रहे हैं घर। हाँ, and I'm sure लक्ष्मी घर गई होगी, तू चिंता मत कर। Exactly। आयुष, तुम सारी formalities पूरी कर देना। हाँ जी। और डॉक्टर से कहना मैं उनसे फोन पे बात करूँगा। ठीक है, ये इनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, चल। आराम से बेटा, आराम से। ऋषि, बाहर आजा। ये ऋषि की किस्मत ना कुछ ज्यादा ही अच्छी है कि पहले एक्सीडेंट में बच गया और अब यहाँ मरने का तो भी बच गया। पर तुम्हें क्या हो गया था? तुम इस तरह नीचे बेहोश क्यों थे? मुझे चक्कर आ गए थे। क्या तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ सलोनी, लेकिन तब तक ठीक हूँ जब तक इसका मुंह बंद है, जब तक कुछ बोलता नहीं किसी को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।